हे एवरी वन वेलकम बैक टू इन्वेस्ट इन इंडिया वर्ल्ड ऑफ वेल्थ क्रिएशन विद शिफालीगर्ग आप सबको पता होगा कि अभी एच डी एफ सी लाइफ एंड आई सी आई सी आई लाइफ इन दोनों के क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस हुए हैं तो आज के वीडियो में हम इन दोनों के रिजल्ट को कंपेयर करते हुए ये देखेंगे कि क्या परफॉर्मेंस में वेरिएशन था अभी मार्केट सिनेरियो के हिसाब से इन दोनों ही स्टॉक्स के लिए हमारी गोइंग फॉरवर्ड क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए तो लेट स्टार्ट विद द टॉपिक बिफोर दैट इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब नीचे बेल बटन और सब्सक्राइब प्रेस करके प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए नाउ लेट स्टार्ट विद द टॉपिक एच डी एफ सी लाइफ ने ट्वेंटी सेवन्थ अप्रैल एंड आई सी आई सी आई लाइफ ने ट्वेंटी फिफ्थ अप्रैल को अपने क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस किए हैं एच डी एफ सी लाइफ के रिजल्ट अगर हम देखें तो बहुत अच्छे हैं एच डी एफ़ सी लाइफ के रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छे रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं वेर इन उसके कॉम्पिटेटर आई सी आई सी आई प्रोडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने जो रिजल्ट डिक्लेयर करे हैं दे आर डिसअपॉइंटिंग तो दोनों कॉम्पिटिटर के रिजल्ट में इतना डिफरेंस है किन टर्म्स में डिफरेंस है वो हम देखते हैं वैल्यूएट करते हैं एच डी एफ सी लाइफ ने जो अनाउंस किए हैं रिजल्ट उसमें 18 परसेंट इंक्रीज शो करा है एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट में जो नए जो आ, उन लोगों ने बिजनेस एक्वायर किया है उससे जो एनुअल जो मिलता है ईयरली उसमें जो इंक्रीज हुआ है दैट इज 18 परसेंट वेयर इन आई सी आई सी आई प्रोडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस हैज शोन डिक्लाइन ऑफ फाइव पॉइंट थ्री सिक्स परसेंट इन ए पी एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट इसका मतलब जो नए कस्टमर्स टेक ओवर कर रहा है एच डी एफ सी लाइफ दैट इज़ मच मोर देन आई सी आई सी आई प्रोडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस इसका सीधा इम्प्लीकेशन ये है कि जो एच डी एफ सी लाइफ के प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा एंगेजिंग है वो लोगों को ज़्यादा एल्योर कर रहे हैं ट्रस्ट फैक्टर एच डी एफ सी लाइफ का ज़्यादा है सेटलमेंट रेशो एच डी एफ सी लाइफ का ज़्यादा है लोगों का इवेंचुअली जो इंक्लिनेशन है वो एच डी एफ सी लाइफ की तरफ है एस कंपेयर टू ऑफ न्यू बिजनेस होता है VNB, वो इंक्रीज एच डी एफ सी लाइफ ने आईसीआईसी प्रोडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने भी वो बढ़ावा शो करा है बट बहुत ही कम एच डी एफ सी लाइफ जो है वो कॉर्पोरेट और रिटेल दोनों ही सेगमेंट में अपने प्रोडक्ट्स देता है इंश्योरेंस प्रोडक्ट तो इसलिए जो रिटेल कस्टमर्स आपके और मेरे तरह के जो कस्टमर्स है उनको जो देता है ये इंश्योरेंस उसका जो प्रीमियम है वो बड़ा है नाइनटीन परसेंट से इसका मतलब एच डी लाइफ का कॉरपोरेट एंड रिटेल दोनों ही सेगमेंट्स में बहुत स्ट्रांग होल्ड है जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है एच डी लाइफ का वो सेवनटीन ग्रोथ उसने शो करी है बैक बैक सरप्लस ट्वेंटी इंक्रीज है बिजनेस मार्जिन में ओवरऑल ट्वेल्व परसेंट इंक्रीज़ है प्रीमियम में एसेट अंडर मैनेजमेंट इंक्रीज है वन परसेंट से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज है वन परसेंट से जो करंट वैल्यूएशन है एच लाइफ के शेयर का जिस रेट पे वो ट्रेड हो रहा है स्टॉक मार्केट में दैट इज़ फोर जो 52 वीक लो एच लाइफ के शेयर ट्रेड हुआ है वो है थ्री फोर्टी और जो 52 वीक हाई है वो है सिक्स सेवेंटी सिक्स तो अगर अभी हम बात करें तो एच डी एफ सी लाइफ बहुत अट्रैक्टिव रेट्स पे अवेलेबल है बट स्टिल आई डेफिनेटली रिकमेंड अ बाय फॉर एच डी एफ सी लाइफ लेकिन नॉट एट करंट लेवल्स थोड़े से करेक्शन के बाद अगर ये आप 400 के लेवल्स पे या yeah, 380 से 420 के बीच के लेवल्स पे ले पाते हैं तो दैट इज़ वेरी गुड एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अ करेक्शन बिकॉज ऑफ दिस कोविड 19 पेंडेमिक इन मार्केट अभी तो वैसे भी पिछले आठ दिन से मार्केट कंटिन्यू इंक्रीज़ हो रहा है सिर्फ एक दिन करेक्शन था फ्राइडे के दिन उसके बाद मंडे को अगेन ये इंक्रीज़ हुआ है तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ करेक्शन एंड देन एच डी लाइफ वुड बी अ वेरी गुड बाय ऑल्सो देखिए इंश्योरेंस इज अ सेक्टर जिसमें यू आर बाइंग समथिंग फॉर अनसर्टैनिटी ऑफ योर लाइफ जब आप डर जाते हो जब आपको अनसर्टैनिटी दिखती है आप सर्टन नहीं होते कि आप रहोगे बट आप रहो या ना रहो आपके अपने खुश रहे सुरक्षित रहे इसके लिए आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं राइट वो एल का बहुत पुराना एड है जो शायद मुझे आपको सब सबको याद होगा जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी तो जब अभी कोविड नाइन्टीन पैंडामिक के वक्त हमने इतनी पास से देखा कि चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हमें नहीं पता होता इतनी प्लानिंग हम करते हैं फिनेंशियल प्लानिंग आ, यू नो करियर प्लानिंग मैरिज प्लानिंग एवरी काइंड ऑफ प्लानिंग हम अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ प्लान करके करते हैं बट जो सबसे अनप्लान्ड होता है वो होते हैं इमरजेंसीज डेथ ये चीज़ें हमें नहीं पता होती और हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है तो इस टाइम पे जब इस तरीके का सेंटिमेंट मार्केट में हो गया है डेफिनेटली लोगों का इंक्लिनेशन इंश्योरेंस की तरफ बढ़ेगा जो लाइफ uh, इंश्योरेंस है मेडिकल इंश्योरेंस है ये सारी चीज़ें लोग ज़्यादा बाय करेंगे तो आई एक्सपेक्ट कि कोविड नाइन्टीन पैंडामिक की, की वजह से जो सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म करेंगे उनमें से एक लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर भी है एंड आज के टाइम पे एच डी एफ सी लाइफ इज द बेस्ट परफॉर्मर इन इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया सो दिस शुड डेफिनेटली बी अ बाय फॉर यू एंड शुड बी देयर इन योर पोर्टफोलियो ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर हम आई सी आई सी आई प्रोडेंशियल लाइफ इश्योरेंस की बात करें जो कॉम्पिटिटर है एच डी एफ सी लाइफ का मैंने दो तीन पैरामीटर्स ने तो आपको बताया कंपेयर करके कि वो बहुत 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 पीछे है एच डी एफ सी लाइफ से उसके अलावा ओवरऑल जो आई सी आई सी आई प्रोडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने रिजल्ट दिए दैट इज़ नेगेटिव थर्टी वन पॉइंट थ्री थ्री परसेंट डिक्रीज दिया है उन्होंने अपने नेट प्रोफिट उनका उन्होंने लॉस में शो कराया थर्टी थ्री परसेंट बिकॉज ऑफ लॉस एंड इन्वेस्टमेंट एन पी ई इंक्रीज दिखाया है फोर पॉइंट वन सेवन परसेंट से नेट प्रॉफिट डिक्रीज दिखाया है सिक्स पॉइंट थ्री वन परसेंट से एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर वी एन बी इंक्रीज एज आई टोल यू ए पी ई प्रीमियम इक्विवेलेंट मैंने आपको बताया फाइव पॉइंट थ्री सिक्स परसेंट से डिक्लाइन दिखाया है करंट मार्केट प्राइस जो आई सी आई सी आई लाइफ प्रोडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस जो ट्रेड हो रहा है दैट इज़ थ्री सेवेंटी सेवन पॉइंट फाइव एंड फिफ्टी टू वीक लो इसका है टू ट्वेंटी सिक्स फिफ्टी टू वीक हाई है इसका फाइव थर्टी थ्री अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा रेट्स में डिफरेंस नहीं है आई सी आई सी आई लाइफ एंड एच डी एफ सी लाइफ में हंड्रेड रुपीज़ का वेरिएशन है फिफ्टी टू वीक लो उठा लो आप हाई उठा लो या मार्केट प्राइस उठा लो बट देन परफॉर्मेंस एंड ग्रोथ पोटेंशियल में बहुत डिफरेंस है तो डेफिनेटली आई सी आई सी आई पोटेंशियल लाइफ इंश्योरेंस शुड बी अ नो फॉर योर पोर्टफोलियो एंड एच डी एफ सी लाइफ शुड बी अ यस फॉर योर पोर्टफोलियो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा जो मैंने इसमें कहा वो आपको समझ में आया अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें मैं सारे क्वार्टरली रिजल्ट्स बता रही हूँ इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर आई बटन में आ भी रही है आप उसमें सारे क्वार्टरली रिजल्ट देख सकते हैं जो अभी रिसेंट में डिक्लेयर हुए हैं इस तरह के क्वार्टरली रिजल्ट का जो रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं जो मीडिया में अवेलेबल है वो प्लस उसका एनालिसिस एंड उसके लिए आपकी गोइंग फॉरवर्ड, उस स्टॉक के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इसके लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं अगर आप सब्सक्राइब करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आएगा जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगी इसके अलावा ऑल अदर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ इन सारी चीज़ों पे आई कीप अपडेटिंग यू नो कीप अपलोडिंग वीडियोस तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगी और आप इसे जल्द ही देख पाएंगे आई होप आप चैनल सब्सक्राइब करें वीडियो लाइक करें शेयर करें थैंक यू सो so मच